नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद रईस और आप देख रहे हैं प्रकाश प्रभाव न्यूज। पेश है आज की प्रमुख खबर। राजधानी लखनऊ में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश गेहूं खरीद की रियलिटी चेक करने अचानक पहुंचे गेहूं खरीद केंद्र। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश गेहूं खरीद केंद्रों पर किसानों से किए संवाद। मोहनलालगंज गोसाईगंज क्षेत्र के गेहूं खरीद केंद्र का किया औचक निरीक्षण। जिलाधिकारी के कड़े निर्देश, गड़बड़ी करने वाले अब जाएंगे जेल। जो हमारे गेहूं क्रय केंद्र हैं ये 100% संचालित चल रहे हैं। 1975 रुपये प्रति क्विंटल जो दर तय किया गया है ये सीधे PFMS के माध्यम से हमारे किसान बंधुओं के खातों में जाता है। और मैं आपके माध्यम से सभी किसान बंधुओं से आग्रह करूंगा कि हमारे क्रय केंद्रों पर गेहूं लेकर के आए, यहां तोलवाएं। कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो सीधे कॉन्टैक्ट वहाँ के स्थानीय SDM, डिप्टी RMO, ADM, TG या स्वयं मुझसे कर सकते हैं। यहाँ पर हर एक सुविधा दी जा रही है। 100% जो हमारे कांटे इलेक्ट्रॉनिक कांटे हैं उस पर ऊपर सही तौल हो। यहाँ पे अलग से इस केंद्र पे साफ़ सफाई की व्यवस्था के लिए निर्देशित किया गया है कि साफ़ सफाई की प्रॉपर व्यवस्था रखें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पे खरीद की जाए और साथ ही साथ 100% जो रिकॉर्ड्स है उसको प्रॉपर रूप में रखा जाए और समय के अनुरूप किसान बंधुओं के खाते में जो PFMS सिस्टम है उसके माध्यम से क्रय एजेंसी के द्वारा सीधे अकाउंट में पूरा पैसा ट्रांसफर किया जाए। सर, इसके साथ आपने कई किसानों से फीडबैक भी लिया, फीडबैक में क्या कुछ नज़र आया? देखिए, कतिपय किसान बंधुओं से वार्ता भी की गई जिनका क्रय विगत दिनों में हुआ है। उन लोगों से पूछा गया किसी समस्या के बारे में या किसी के द्वारा कोई धनराशि की अवैध मांग तो नहीं की गई या कोई घटतौली तो नहीं की। सब ने बताया कि नहीं था, उनकी जितनी अनाज था, गेहूं था, उस हिसाब से यहां पे तौल हुआ है और उनको PFMS के माध्यम से भुगतान की कार्रवाई भी